आपका स्वागत है वॉइस द फैमिली पे। इस वक्त मैं हूँ आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस द फैमिली न्यूज चैनल। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य अखबारों की मुख्य हेडलाइंस की। तो सबसे पहले बात करें मुख्य अखबार दैनिक भास्कर की, तो आज इसमें जो मुख्य हेडलाइंस है वो ये है, एक बड़ी खबर जिसमें शादी में रोड़ा बन रही थी प्रेमिका और युवक ने दलित परिवार के 5 सदस्यों को मारपीट में दफना दिया। जहां एक बड़ी अपडेट है, नेमावर में जघन्य हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां पर दलित परिवार के 5 लोगों की हत्या कर शव 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिए गए थे और शवों पर खाद और नमक डाल दिया गया ताकि जल्दी वो गल जाए। लेकिन सभी शव जो है वो कंकाल तब्दील हो चुके थे कंकाल में और परिवार 47 दिन से गायब था। जब मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर कंकाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं और पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। यह एक बड़ा अपडेट है जिसमें शादी में रोड़ा बन रही प्रेमिका को युवक ने दलित परिवार के उसी वजह से युवक ने दलित परिवार के 5 सदस्यों को दफना दिया और 10 फीट गहरे गड्ढे से मंगलवार को जो है ये शव निकाले गए। जो एक बड़ा अपडेट है जो कि दैनिक भास्कर में जो आज मुख्य हेडलाइन जो आपने जानी। अब बात करते हैं पत्रिका की, तो पत्रिका और राज एक्सप्रेस मुख्य अखबार पत्रिका और राज एक्सप्रेस में जो दोनों ने सेम खबर की जो प्रकाशित आज करा है जिसमें पहली हेडलाइंस जो दोनों की है वो ये है कि कोरोना का चौथा कवच, जिसमें देश में चौथे टीके मॉडर्ना को मंजूरी मिल गई है और फाइजर भी इसमें जल्द मिल जाएगी। जिस तरह से आप जान रहे हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए चौथे कवच यानी सबसे प्रभावी कही जाने वाली मैसेंजर आरएनए मॉडर्ना वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में आपात प्रयोग की मंजूरी दे दी है। जब मुंबई स्थित दवा कंपनी सिप्ला ने इसके आयात व वितरण से जुड़े प्राधिकार की अनुमति मांगी थी जिसे बीसीजीआई ने स्वीकार किया है। वही मॉडर्ना पहली अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन है और जिसका उत्पादन देश में नहीं होकर ये सीधे अमेरिका से आया। जिस तरह से आपने जाना कि पत्रिका ने और राज एक्सप्रेस दोनों ने जो देश में चौथे टीके मॉडर्ना को लेकर मॉडर्ना की मंजूरी को लेकर खबर छापी है। वहीं बात करें अगर लोकल अखबार नीमच पत्रिका और नीमच भास्कर की, तो दोनों में जो खबरें हैं उन्होंने कृषि मंडी की खबर जो है डाली है, जिसमें सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने इस खबर को भी दिखाया था जिसमें अचानक बारिश से किसानों की उपज पानी के भेद चढ़ गई। जी हाँ, बड़ी खबर जो ये नीमच में अचानक जो शाम को बारिश हुई थी अंचल में, और जिसके बाद जो है कृषि उपज मंडी में किसानों का अनाज जो है वो खुले आकाश के नीचे रखा था और जिसके बाद बारिश होने के बाद वो पूरा अनाज गीला हो गया और काफी मात्रा में जो है किसानों का नुकसान इसमें बनाया जा रहा है। और एक बड़ी खबर जो कि आज नीमच पत्रिका ने और नीमच भास्कर ने भी प्रकाशित की है, जो मुख्य हेडलाइंस है दोनों अखबारों की आवाज यही है। जहाँ जिस तरह से आपने जाना ये बड़ी खबरें थी बड़े अखबारों की जो हेडलाइंस है, जिस तरह से आपने जानी और इस तमाम जानकारी और लगातार अपडेट्स के लिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत।